तो कल SN1 चल रहा था और मैंने SN1 का इंटरमीडिएट क्या बताया था आपको, कार्बोकैटायन। ठीक, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन था। तो नेचर ऑफ सब्सट्रेट की बात करो तो कौन सा सब्सट्रेट अच्छा देता था आपका, 3 डिग्री एल्केलाइड, उससे कम 2 डिग्री एल्केलाइड, उससे कम 1 डिग्री एल्केलाइड। अच्छा, लीविंग ग्रुप की बात करो, सबसे अच्छा कौन लीविंग ग्रुप था, IBr(Cl)F। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट हो गया था। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करो तो जो SN1 रिएक्शन है इसका जो सॉल्वेंट होना चाहिए, ध्यान से सुनो, ये आप हाईली एक्वस प्रोटिक पोलर होना चाहिए, हाईली एक्वस प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, हाईली एक्वस मतलब, एक्वस मतलब पानी, और प्रोटिक पोलर मतलब KOH, मतलब एक्वस से प्रोटॉन मिल जाएगा, प्रोटिक मतलब क्या होता है प्रोटॉन, तो ये हो जाएगा एक्वस KOH इसका हो गया जैसे, और फार्मिक एसिड हो गया, ये आपके सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं। एक तुम्हें बात बताएं, जो SN1 रिएक्शन है और जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, अगर आप बात करें SN1 और एलिमिनेशन की, तो SN1 और एलिमिनेशन एक तरीके से दोनों सेम रिएक्शन हैं, दिखने में सेम लगती हैं, लेकिन SN1 और एलिमिनेशन रिएक्शन को ये पहचाना कैसे जाता है कि ये SN1 है या ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये मात्र मात्र केवल और केवल एक चीज़ से पता चलता है, वो है सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट से डिसाइड होता है कि ये SN1 या सब्स्टिट्यूशन है या फिर ये क्या है, एलिमिनेशन है। वरना अभी आपको एलिमिनेशन पढ़ाएंगे, उसका इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, उसका भी कार्बोकैटायन होगा, और जब भी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा तो सबसे अच्छा कौन देगा, 3 डिग्री, क्योंकि कार्बोकैटायन कौन स्टेबल होता है, 3 डिग्री। अच्छा, किसकी वजह से होता है स्टेबल, कौन से इफेक्ट की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, कौन से इफेक्ट की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट। ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद अगला पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, कि SN1 में प्रोडक्ट कैसा बनेगा। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की अगर बात करो तो बताओ SN1 का इंटरमीडिएट कौन था, कार्बोकैटायन, कौन था कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड मतलब 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, 3 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर, वेरी गुड, छोटू पढ़ाई कर रहा है, ट्रायंगुलर प्लेनर। अच्छा, ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर का मतलब क्या होता है कि जरा समझो, जैसे मान लो कोई वेसल है और उस वेसल में एक प्लेन डला है, ऐसे मान लो कोई प्लेन डला है, वो प्लेन ऐसे भी डला हो सकता है, ऐसे भी कोई प्लेन चीज डली है यार, एक प्लेट डाल दो तुम, वो प्लेट किस डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, अब उस पर कोई चीज आके चिपकनी है तो डेफिनेटली ये समझो उस प्लेट के इस साइड भी चिपकेगी और इस साइड भी चिपकेगी, क्योंकि दोनों प्लेट खाली है। अच्छा, तो जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, अच्छा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है, प्लेन है तो बेसल में प्लेनर स्ट्रक्चर डली होगी, तो जो न्यूक्लियोफाइल है, SN1 में कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपका आगे से भी अटैक करेगा और पीछे से भी अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि दोनों साइड खाली है ना, जैसे दोनों तरफ चीजें आगे चिपकेंगी, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो आगे से भी अटैक करेगा और पीछे से भी अटैक करेगा। जब किसी इंटरमीडिएट में कोई अटैकिंग रीजेंट, व्हाट इज अटैकिंग रीजेंट, जस्ट लाइक अ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग रीजेंट बैक साइड से अटैक करता है तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं इन्वर्जन, और जब फॉरवर्ड साइड से अटैक करता है तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं रिटेंशन। इसका मतलब चांसेस क्या है, जरा सोचना, चांसेस क्या है कि 50% पीछे से अटैक करेगा, 50% आगे से अटैक करेगा, जब 50-50% अटैक करेगा तो इट्स मीन 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन बनेगा। और जब किसी सॉल्यूशन में दो नेचर के सॉल्यूशन हो, दैट्स कॉल्ड रेसिंग मिक्सचर, लाइक अ डी एंड एल, ऑप्टिकल आइसोमरेज, याद आ रहा है, डी और एल ऑप्टिकल आइसोमरेज, कैसा कार्बन होना चाहिए,
ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कैसा कारण होना चाहिए? कायरल कार्बन या मिरर इमेज? ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए? मिरर इमेज डज नॉट सुपर इम्पोज हो, या कार्बन कैसा हो? कायरल। तो उस सॉल्यूशन के कितने नेचर होते हैं? दो, एक डी और एक एल, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिबोरोटेटरी। ऐसे मिक्सचर क्या बोलते हैं? रेसे मिक्सचर। इसी तरीके से इन्वर्जन और रिटेंशन है क्या? डी और एल ही है। देखिए ध्यान से, तो क्या बोलेंगे? इन sp2 हाइब्रिड ज्योमेट्री इज ट्राइंगुलर प्लेनर, सो न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड एंड फॉरवर्ड साइड, सो 50% बैक साइड से अटैक करेगा, क्या बनेगा? इन्वर्जन, एंड 50% रिटेंशन विल फॉर्म, एंड दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, बात समझ में तो नहीं आई? तो बताओ, रेसे मिक्सचर एक तरीके से डी और एल, डी और एल, फॉरवर्ड और बैकवर्ड तरीके से डी और एल। अच्छा, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तभी तो रेसमी मिक्सचर होता है। ऑप्टिकली एक्टिव की पहचान क्या थी? कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन क्या होते हैं? जिस कार्बन से चार अलग अलग ग्रुप लगे हो। जैसे देखना, देखो ये सी सिंगल बॉन्ड CH3, एच C2H5 और ये Br, ये कायरल कार्बन भी है। अगर इसकी रिएक्शन तुम एक्वस KOH से कराओगे तो देखो मीडियम कैसा है? एक्वस है, सॉल्वेंट को देख के यहाँ डिसाइड होगा, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से Br हटेगा, कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल OH, तो क्या बन जाएगा? COH सिंगल बॉन्ड CH3 H C2H5। आगे से अटैक कर गया, आप किधर से अटैक करेगा? पीछे से। तो देखो COH सिंगल बॉन्ड CH3 C2H5 और ये H। देखो क्या ये इसकी मिरर इमेज नहीं है? ये इसकी मिरर इमेज है। इसका मतलब अगर ये आगे से अटैक किया तो ये रिटेंशन है और ये इन्वर्जन है। इसका मतलब ये डी और एल भी है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? रेसमिक मिक्सचर। इसको डी नाम दे दो और इसको क्या नाम दे दो? एल। और ऐसे मिक्सचर क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। नॉट करो, ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट नंबर है SN2। SN2 में क्या होता है? SN1 वन स्टेप मैकेनिज्म थी, सॉरी टू स्टेप मैकेनिज्म थी, SN2 वन स्टेप मैकेनिज्म है। क्या है? वन स्टेप मैकेनिज्म। ठीक, एक स्टेप की मैकेनिज्म है। इसमें होता क्या, ध्यान सुनो, CH3 और ये एक्स, ये है न्यूक्लियोफाइल। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ध्यान सुनना, SN2 में होता क्या है कि इस CH3 से
एक तरफ हैलाइड हैलाइड हट रहा होता है, एक तरफ कौन हट रहा होता है, हैलाइड हट रहा होता है, और दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है। ठीक है, एक तरफ हैलाइड हट रहा होता है, दूसरी तरफ कौन अटैक कर रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है। एक कंडीशन ऐसी होती है कि हैलाइड हटने वाला होता है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ने वाला होता है। एक बात याद रखना, हैलाइड के हटने और न्यूक्लियोफाइल के जुड़ने के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। पूछो क्यों? सपोज अगर हैलाइड हट गया और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाया तो क्या होगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा, और इंटरमीडिएट बन जाएगा तो कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो फिर तो वो SN1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? SN1 हो जाएगी। बात समझ में आई? तो क्या होता है कि जैसे हैलाइड हटेगा, जैसे हैलाइड हटेगा वैसे वैसे पीछे से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। एक कंडीशन होगी हैलाइड लीव कर गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, इस तुरंत नो टाइम गैप, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। केमिकल काइनेटिक मैंने आपको ट्रांजिशन स्टेट का मतलब बताया था। तो फिर क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से अटैक कर जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट कि इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट। किसमें? SN2 में नो इंटरमीडिएट विल फॉर्म, नो इंटरमीडिएट विल फॉर्म ओनली ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म। तीसरा पॉइंट रेट, रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सोचना, सबस्ट्रेट पे तो डिपेंड करेगा ही, रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबस्ट्रेट के, और जरा ध्यान सुनना, इस बार रेट केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। पूछो क्यों? मान लो सबस्ट्रेट ऐसा हुआ कि जिसने हैलाइड हटा दिया और न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ पाया तो रिएक्शन बेकार। मतलब क्या है? जिस नेचर का हटने वाला हैलाइड होना चाहिए उसी नेचर का जुड़ने वाला क्या होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। तभी तो एक ही टाइम गैप, टाइम बिना टाइम ड्यूरेशन के जुड़ पाएंगे। तो रेट जो है वो सबस्ट्रेट के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है, और जब किसी रिएक्शन का रेट दो चीजों पे डिपेंड करता है तो दिस इज सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होती है? सेकंड ऑर्डर ऑफ, और जब एक चीज पे डिपेंड करता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर। मतलब सब्स्टिट्यूशन से आया S, न्यूक्लियोफिलिक से आया N, और सेकेंड से क्या आया A, SN2 रिएक्शन। बात समझ में आई? अच्छा, अब बात करते हैं अगला पॉइंट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कौन आपका अच्छी देगा SN2? सुनना ध्यान से, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 ये X, उसके बाद है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 X, CH3 CH2 X। सोचो अपने दिमाग से कौन अच्छी देगा। न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक कर रहा है? पीछे से अटैक कर रहा है ना। बोलो, न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक कर रहा है? पीछे से अटैक कर रहा है। जब पीछे से अटैक कर रहा है तो यहाँ पीछे से अटैक करने के लिए जगह खाली है? नहीं है। यहाँ थोड़ी कम खाली है, यहाँ बिल्कुल खाली है। तो कौन अच्छी देगा? 1 डिग्री एल्केलाइड अच्छी देगा। तो सबसे अच्छी कौन देगा? 1 डिग्री एल्केलाइड, उससे कम
टू डिग्री और उससे कम थ्री डिग्री है। अच्छा क्यों देगा? जब ग्रुपों की वजह से रुकावट आता है तो इसको कहते हैं स्टीयरिंग हिंड्रेंस। इन ग्रुपों की वजह से रुकावट आ रहा, पीछे से निकले बाल तभी तो अटैक नहीं कर पा रहा, किसकी वजह से? ये ग्रुप लगे हैं। और जब ग्रुपों की वजह से रुकावट आती है तो इसको क्या कहते हैं? स्टीयरिंग हिंड्रेंस। तो क्या हो जाएगा? ड्यू टू स्टीयरिंग हिंड्रेंस। बात समझ आई? तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप मतलब वही है, कौन जल्दी लीव करेगा। मान लो अगर दोनों वन डिग्री हो तो कैसे पहचानोगे? जिसका हैलाइड जल्दी हटेगा। तो लीविंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन होता है? आई माइनस उससे कम, बी आर माइनस, सी एल माइनस और ये एफ माइनस। इसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट कौन है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में उसका कौन था? हाईली एक्वस प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट था। इसका होता है ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। कौन होता है? ए प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसमें प्रोटॉन ना हो। और इसका एग्जाम्पल है ए प्रोटिक पोलर का ड्राई एसीटोन। देखो ड्राई मतलब सूखा, सूखा मतलब एक्वस, एक्वस नहीं है तो प्रोटॉन नहीं होगा। एसीटोन में ऑलरेडी प्रोटॉन नहीं होता है क्योंकि एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3CO CH3। कहीं इसमें हाइड्रोजन है? नहीं है। अब कार्बन से लगे हाइड्रोजन से मतलब नहीं है तो ये कैसा होगा? ड्राई एसीटोन। आपको याद भी होगा जब मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फिंकलिस्टिन रिएक्शन लिखवाई थी तो फिंकलिस्टिन रिएक्शन में एरो के नीचे मैंने लिखवाया था SN2, याद है? क्योंकि उसका फिंकलिस्टिन में क्या होता था? एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता था सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। इसलिए कौन सी मैकेनिज्म थी वो? SN2। अगला पॉइंट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट कौन अच्छी देगा? SN2। तो सोचो, सॉरी प्रोडक्ट कैसा बनेगा? सोचो कैसा बनेगा। न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक कर रहा है? पीछे से। इसमें आगे का कोई लफड़ा है? नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? 100% इन्वर्जन बनेगा। क्या बनेगा? इन्वर्जन बनेगा। SN2 कंप्लीट हो गया, नोट कर। SN2 नोट कंप्लीट कर लो, हो गया नोट।